नमस्कार। रुचिरा भाग एक चतुर्दशः पाठः। पाठ का शीर्षक है अह आह च। शीर्षक से लग रहा है पता नहीं क्या है। ये वो आवाजें हैं जो कष्ट के समय हमारे मुख से निकलती हैं। कोई कांटा चुभ जाए, सुई चुभ जाए, कुछ काट जाए या इंजेक्शन लग रहा हो, उस समय जो दर्द भरी आवाज निकलती है ये वो आवाजें हैं अह आह च। यह एक कहानी है जो एक ऐसे मालिक या स्वामी की कहानी है जो अपने नौकर को उसकी मेहनत का पैसा नहीं देना चाहता, उसकी छुट्टियों के पैसे नहीं देना चाहता, छुट्टी नहीं देना चाहता और उसके सामने एक ऐसी शर्त लगा देता है जिसे पूरी करना लगभग असंभव था। लेकिन वो बच्चा एक वृद्धा की सहायता से उस शर्त को किस तरह पूरी करता है, आइए पढ़ते हैं ये पाठ। अजीज सरलह परिश्रमी च आसीत। उस बच्चे का नाम है अजीज। अजीज सरलह, सरल सीधा साधा, परिश्रमी च और मेहनती आसीत था। अजीज सरल सीधा और मेहनती था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत। सह वह बच्चा, अजीज नाम का बच्चा, स्वामिनः स्वामी की, अपने मालिक की, एव ही सेवायाम सेवा में, लीनः लगा, आसीत था, लगा रहता था, मग्न था, हमेशा उन्हीं की सेवा करता रहता था। वह स्वामी की या मालिक की सेवा में ही लगा रहता था। एकदा सगृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति। एकदा एक बार सह वह गृहं गन्तुम् घर जाने के लिए, अवकाशं वांछति अवकाश चाहता है, छुट्टी चाहता है। उसे अपने घर जाना था, उसने स्वामी से कहा मुझे छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। स्वामी चतुरः आसीत। स्वामी जो उसका मालिक था वो चतुर था, बहुत चालाक था। सह चिंतयति, वह सोचता है, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीजः इव, इव मीन्स के जैसा, अजीज के जैसा न कोऽपि कोई भी अन्य दूसरा कार्यकुशलः न, कार्य में कुशल नहीं है। कि मान लो ये छुट्टी चला गया तो इसके बदले किसको रखूंगा, इतना कार्यकुशल, इतना परफेक्ट कोई है नहीं। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, यह अवकाश का, छुट्टी का वेतन, पैसा भी ग्रहीष्यति, भी लेगा, छुट्टी के पैसे भी देने पड़ेंगे, लौट कर आएगा भी कि नहीं, और इसकी एब्सेंस में किससे काम करवाऊंगा। उस मालिक के दिमाग में ये सब बातें आ रही हैं। फिर से सुनिए। अजीज सरल और परिश्रमी था, वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी या मालिक चतुर था, चालाक था। वह सोचता है अजीज के जैसा कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं है, कार्य में निपुण नहीं है, और यह अवकाश का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, स्वामी कथयति, मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। क्या कहता है? अहम, मैं, तुभ्यम तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुमको, अवकाशस्य छुट्टी का, वेतनस्य च और तुम्हारी सैलरी का, तनख्वाह का, सर्वं धनं दास्यामि, पूरा धन दूंगा, सारा पैसा दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम, लेकिन, एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय, लेकिन इसके लिए तुम वस्तुद्वयम्, दो वस्तुएं, दो चीजें, आने मीन्स लाओ मेरे लिए। पहले ये शर्त रख दी कि मैं तब दूंगा तुम्हें ये सारा पैसा, पहले इसके लिए मुझे दो वस्तुएं ला कर दो। और वो दो वस्तुएं क्या कही? अह आह च। उन दो चीजों के नाम हैं अह और आह। अब आप सोचकर बताइए कि क्या ये संभव है? क्या ये ऐसी चीजें हैं जो कोई लाकर दे सकता है? नहीं समझ में आया? देखते हैं क्या होता है। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुम् निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं, दो वस्तुएं आनेतुम्, लाने के लिए, निर्गच्छति, निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है।
सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमति घूमता है, इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों को, जन द्वितीय विभक्ति बहुवचन, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की तरफ देखता है। धराम प्रार्थ्यति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती, चीज हो तो कोई मिले भी, कहाँ से मिले। लोगों से पूछता है, कोई फायदा नहीं। आकाश को, भगवान को प्रेयर करता है, धरती से प्रार्थना करता है, पर सफलता प्राप्त नहीं होती। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, सोच लिया कि मेहनत का धन उसे नहीं मिलेगा। परिश्रमस्य, परिश्रम का, मेहनत का, धनम, धन सह वह नैव प्राप्स्यति, नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, जब वो बिल्कुल हार कर बैठ गया, तब कुत्रचित मीन्स कहीं पर एका वृद्धा, एक बूढ़ी औरत, एक वृद्धा मिलती, उसको मिलती है। कहीं पर एक बुढ़िया, एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह कौन, अजीज। ताम आया वृद्धा के लिए, वह अजीज नाम का लड़का ताम वृद्धाम, उस वृद्धा को सर्वाम व्यथाम, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारा कष्ट श्रावयति, सुनाता है, अपनी पीड़ा सुनाता है, अपना कष्ट, क्यों मैं दुखी हूँ। सा विचारयति, वह सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि जो उसका मालिक है वो अजीज को धनम दातुम न इच्छति, धन देना नहीं चाहता है। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए अजीजम ना होकर के अजीजाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कि मालिक अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति, वह बुढ़िया, वह औरत तम, उस अजीज को कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन वो दोनों ही बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती हैं वो दोनों चीज़ें। प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह मालिक के पास आता है। इतने पर भी एक विचारने की बात है कि जब बुढ़िया ने उसे कहा कि ये दोनों चीज़ें बहुत कीमती हैं, बहुत बहुमूल्य हैं, तो क्या अजीज को लोभ आना चाहिए? हो सकता है उसको लालच आ जाता, लालच आ जाता तो उसका परिणाम क्या होता, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, जब स्वामी ने देखा कि अजीज तो आ गया वापस, इसका मतलब ये दोनों चीजें ले आया, अजीज को देखकर मालिक चकित होता है। स्वामी शनई शनई पेटिका उद्घाटयति, जो अजीज नाम का बच्चा था एक बॉक्स लेकर आया था, जो बुढ़िया ने उसे दिया था कि इस बॉक्स के अंदर बहुत कीमती चीज है, जाकर अपने मालिक को दे देना। तो स्वामी शनई शनई धीरे धीरे पेटिका, उस पेटिका को या उस बॉक्स को उद्घाटयति, खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, उस बॉक्स के अंदर भी, उस पेटिका के अंदर भी लघु पात्र द्वयम, दो छोटे बॉक्स और थे, बॉक्स के अंदर बॉक्स दो और थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, प्रथमम पहले, सह वह कौन, स्वामी मालिक, एकम लघु पात्रम, एक छोटे पात्र को, छोटे डिब्बे को खोलता है। बॉक्स के अंदर दो बॉक्स हैं, पहले उसने छोटे डिब्बे को खोला। सहसा अचानक एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, तस्य च और उसके हस्तम हाथ पर, दशति मीन्स काट लेती है, डंक मार लेती है। बॉक्स में से क्या निकला, मक्खी निकली। मक्खी ने कहाँ काटा, हाथ पर काटा, किसके हाथ पर, मालिक के हाथ पर। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ पर काट लेती है। स्वामी उच्चई वदति, मालिक जोर से बोलता, आह, हो गई एक चीज, आह तो ले आया। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को, छोटे बॉक्स को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह ललाट पर, माथे पर काटती है, डंक मारती है, डसती है।
पीड़ितः स, पीड़ित होकर वह अति उच्चई चीत करोती, बहुत जोर से चिल्लाता है, आह, माथे पर काटी तो आह आ गई दोनों चीजें। अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल हो गया अपने काम में। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, स्वामी मालिक उसको अजीज को अवकाश का और वेतन का, उसकी सैलरी का, तनख्वाह का पूरा धन देता है। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। यदि अजीज लालच करता कि देखूं इसमें कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, तो वो मक्खी उसी को काट लेती, दोनों मक्खियां उसको काटती, और वो स्वामी की शर्त भी पूरी नहीं कर पाता, वहां से भी पैसा नहीं मिलता और यहां से भी उसको नुकसान होता। अभ्यास कार्य। अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत, अर्थ मिलाने हैं हमको। हस्ते इसको मिलाएंगे करे, हाथ में, हस्ते का अर्थ भी है हाथ में, करे भी हाथ में। सद्य, सद्य मीन्स शीघ्रम, जल्दी से, शीघ्रम। सहसा अचानक, अकस्मात, हस्ते को मिलाया करे, सद्य शीघ्रम, सहसा अकस्मात। धनम द्रवीणम, धनम इज इक्वल टू द्रवीणम। आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम। विलोम पद से मिलाना है, मंजूषा में शब्द दिए हैं, प्रविशति सेवकः, मूर्खः, नेतुम, नीचई, दुखितः। चतुरः का विलोम मूर्खः, आनेतुम उसका उल्टा होगा, नेतुम लाने के लिए, ले जाने के लिए। निर्गच्छति प्रविशति, निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति एंटर करता है, प्रवेश करता है। स्वामी सेवकः मालिक नौकर, स्वामी सेवकः प्रसन्नः, अप्रसन्नः या दुखितः है इसमें, प्रसन्नः दुखितः, उच्चई नीचई। अव्यय पद से रिक्त स्थान भरिए। इव मीन्स के जैसा, अपि भी, एव ही, च और, उच्चई जोर से। बालकः बालिकः च, बालक और बालिका, तो पहले भरा हमने च। मेघा उच्चई गर्जंती, तीसरे में। बकः हंस इव श्वेतः भवति, मेघ जोर से गरजते हैं उच्चई, तीसरे में इव के जैसा। चौथा सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। पांचवा अहम पठामि त्वमपि पठ, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। प्रश्नों के उत्तर। अजीजा गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, क्या चाहिए उसे घर जाने के लिए, उत्तर है अवकाशम। स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः, कैसा था स्वामी, उत्तर है चतुरः। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, किसको अपनी व्यथा सुनाता है, उत्तर है वृद्धाम, एकाम वृद्धाम। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मक्खी कहाँ काटती है, ललाटे माथे पर, ललाटे। स्वामी अजीजाय किम दातुं न इच्छति, उत्तर है धनम या अवकाशस्य धनम। निर्देशानुसार लकार परिवर्तन करना है। सबसे पहले आसीत का लट लकार, एग्जाम्पल है अस्ति बन गया। दूसरे में ददामि को लृट लकार में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा दास्यामि। प्राप्स्यति को लट लकार में बनाएंगे प्राप्नोति, केवल हमको क्रिया बदलनी है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। प्राप्स्यति प्राप्नोति। वदति का लंग लकार अवदत। गृहणाति का लृट लकार ग्रहिष्यति। पठसी का लोट लकार पठ। घटनाक्रम स्टोरी अरेंज करनी है, इसको पढ़ के सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ। सबसे पहला है सेंटेंस, अजीज सरल और परिश्रमी था, एक बार वो घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। नंबर दो पे, तीसरे पे है पीड़ित स्वामी, तीसरे पे आएगा मक्षी के स्वामिनम दशतः, मक्खियाँ स्वामी को डस लेती हैं। चौथे पे आएगा स्वामी जोर से चिल्लाता है। पांचवे में आएगा, ये थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, टाइम लगता है इसमें, अजीजा पेटी काम आनायती थर्ड नंबर पे जा रहा है, इसको आपको पढ़ के अरेंज करना है और सीधा अरेंज करने के बाद क्रम से इसको फिर से लिखना है। धन्यवाद।